किस तरह का प्ले है? ब्लाइंड डेट एक बहुत ही यू नो यू कैन से लाइक अ प्रॉपर, जो एक बार एक आर्टिकल भी आया था, इट्स बीन डायरेक्टेड, इट्स बीन लाइक सॉरी प्रॉपर लाइक अ बॉलीवुड फिल्म आप बोल सकते हो, जिसमें कॉमेडी है, रोमांस है, जिसमें ट्रेजडी है, जिसमें एक तरफा प्यार है. सो आपको तो पता ही है कि एक तरफा प्यार की ताकत क्या होती है. सो या इट इज़ लाइक दैट. स्टोरी ऐसी है कि एक लड़का है जो निसर्ग नाम है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो यूएस से आता है और उसे यहाँ पे बुलेट ट्रेन बनानी है. तो वो थोड़ा सा क्लमजी है, मतलब खाना खाने के टाइम खाना खाना भूल जाएगा, फिर चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी होगी, क्योंकि अपने काम में इतना डूबा है ये. और ऐसे में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, उस लड़की से मिलता है, कुछ ट्रेजेडी होती है, वो लड़की उसको कभी मिलना नहीं चाहती है, बोलती है कि मैं तुम्हें कभी देखना नहीं चाहती हूँ, पर ये अपने साइड से उसे प्यार करता रहता है. तो एक तरफा जो उसका प्यार है वो चलता रहता है. फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है, कैसे बजरंगी का कैरेक्टर आता है, कैसे वो हेल्प करता है, तो और एंड में जीत किसकी होती है, कैसे प्यार होता है, तो ये सब स्टोरी है ब्लाइंड डेट. थिएटर करना बहुत डिफिकल्ट है, थिएटर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि शूटिंग में एक टेक, दो टेक, पांच टेक, दस टेक होते हैं, बट थिएटर में सिर्फ एक ही टेक होता है. तो आपको यू नो यू हैव टू बी अलर्ट, आपको ध्यान रखना है कब आपकी एंट्री है, कौन सी पोजीशन है, और क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस आपको देख रही है, तो मतलब जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत क्विक रिएक्शन होते हैं, यू नो, एंड इट्स वेरी गुड आल्सो फॉर एन एक्टर टू बी अलर्ट, एंड बहुत कुछ सीखने मिलता है. जैसे कि आप जैसे सीन ख़त्म होता है, ब्लैकआउट होता है, आप इतने अंधेरे में चल के जा रहे हो, मैं तो ऑलमोस्ट अंधा ही हो जाता हूँ, मुझे कोई ना कोई एक्टर मेरा हाथ पकड़ के ले जाता है, और फिर कैसे आप 15 सेकंड में या 20 सेकंड में चेंज करके फटाफट वापस आते हो. सो ऑल दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड समथिंग टू लर्न, समथिंग टू यू नो लाइक अ चैलेंज इट इज़. सो इट्स गुड. थिएटर कर लिए, टीवी कर लिए, बॉलीवुड कर लिए, सबसे ज़्यादा सब, मैं एक्टर हूँ भाई. सो मुझे कहीं भी एक्ट करा लो, आप बॉलीवुड करा लो, थिएटर करा लो, टीवी करा लो, या एड्स करा लो, डिजिटल करा लो, आई एम एन एक्टर एंड आई लव टू एक्ट. व्हेनेवर आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई एम हैप्पी. नहीं, नर्वसनेस ये होती है कि मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू डू माई जॉब वेल, बट आई एम नॉट, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज. मैं घबराया हुआ नहीं रहता हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है वहाँ जाके. सो बिकॉज हमने इतनी रिहर्सल की है, हमने इतना प्रैक्टिस किया है, सो उसके बाद भी मेरा नर्वस होना बनता नहीं है. अगर आपने पूरी पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम में आप बेफिक्र होके बैठोगे ना कि मैंने पढ़ाई की है, तो ब्रिंग इट ऑन. सो या सी, ऐसा कोई गुरु वुरु नहीं है मेरे, बट आई लुक फॉरवर्ड टू, यू नो, आई हैव सीन पीपल लाइक नसीर साहब, यू नो, ये सब जब थिएटर करते हैं तो इतना डूब जाते हैं एंड इतना कुछ सीखने मिलता है. सो I said why not, because people tell me that Jay, you're such a good actor, you're such a good actor, but I want to learn more, I want to grow more, because uski koi kya bolte hain ki seema hi nahi hai, aap jitna chaho seekh sakte ho, jitna chahe, you know. So yeah, bahut enjoy karta hu main, bahut enjoy karta hu jab audience ki taliyan hoti hai, jab thoda haste hain, to bahut acha lagta hai, you know, this on the spot reaction you get. Iske pehle abhi just aap Gujarat pe jaake aaye, ha, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, एंड द पीपल आर वेरी नाइस ओवर देयर. और मतलब ऐसे पॉइंट, कभी कभार ऐसा पॉइंट होता है कि हंसते ही रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि कब हंसना बंद करें, हम दूसरी लाइनें बोलें. सो इट्स फन, एंड सबका अलग अलग टेस्ट होता है, बट यू नो इफ़ यू हैव अ गुड सब्जेक्ट, सो एवरीवन विल लव इट. सो या, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. सेम कास्ट है कि और कोई चेंजेस है? नहीं नहीं, सेम कास्ट है अभी तक, पूछना पड़ेगा. नहीं नहीं, सेम कास्ट है, एंड वेरी एक्साइटेड ऑलवेज आई एम, यू नो, आफ्टर एवरी, बिफोर एवरी शो, एंड हमेशा मतलब कोशिश यही रहती है कि यू नो यू गिव योर बेस्ट, एंड जो लोग आए हैं पैसा खर्चा करके, यू नो, उनको पूरा एंटरटेन दे, बिकॉज एंटरटेन करे, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट. सो आई लव टू एंटरटेन पीपल, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको हंसाना, रुलाना, तो चौंकाना, सरप्राइज करना, सो आई लव दैट. कभी ऐसा हुआ है कि थिएटर कर रहे हैं और कुछ लाइनें भूल गई,
नहीं ऐसा ऐसा अभी तक तो टच उड हुआ नहीं है, और अगर होता भी है ना तो मेरी शक्ल से आपको पता नहीं चलेगा कि इलाई ने भूल गया। मैं क्या अगर इनके मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, बट हम एक बार फ़ोन लेना भूल गया था स्टेज पे, फ़ोन लेना भूल गया था। बट एक चीज़ मैंने हमेशा मैं फॉलो करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए आप ये मत कभी छोड़ना, यू नो अगर आपने यहाँ से दिखा दिया तो ऑडियंस को पता चल जाएगा कि आप कुछ भूल गए, पर मैं यहाँ से कुछ दिखाता ही नहीं हूँ कि मैं कुछ भूल गया। तो ये होता है कि जो आप दिखाओगे वही वो लोग देखेंगे, अगर आपने दिखा दिया कि मैं कुछ भूल गया तो वो लोग वही देखेंगे। सो आई डोंट यू नो लेट इट कम ऑन माय फेस। मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ जैसे कि अरे अच्छा ये तो एक सीन का हिस्सा था, अरे यार मैं फ़ोन भूल गया, मैं अब भी लेके आता हूँ, तो ऐसा लगे कि हाँ ये भूल गया होगा, भुलक्कड़ तो है ही। सो यू दैट्स हाउ यू कवर इट अप, यू नो यू नेवर लेट इट शो ऑन योर फेस।